ठंडी का मौसम है और आलू मटर का सीजन हो, अगर इस सीजन में आपने ये आलू मटर की घुघरी नहीं बनाई तो फिर कुछ नहीं बनाया। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि सीजनली मटर के साथ आलू और मटर की घुघरी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल चटपटा पराठा, पूड़ी, रोटी, दाल चावल, किसी के साथ आप इसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डाला है हमने इसमें। तो चलिए देखते हैं कि आलू मटर की दमालू कैसे बनाते हैं, और इसे आप घुघरी भी बोल सकते हैं, दमालू भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स ले रखा है उसमें ये एक टेबल स्पून जीरा है, एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून है ये पिसी हुई धनिया, एक टेबल स्पून है पिसी खटाई, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये है दमालू मसाला। यहाँ पे मैंने 4-5 आलू कट करके, कच्चे आलू हैं जिनको बहुत बड़े पीसेस में नहीं, छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिए हैं। 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं जिन्हें चॉप करके छोटा छोटा रख लिया है। एक पिंच अदरक है ये, और मैंने ले रखा है सीजन की मटर। तो आप जब भी बनाते हैं दमालू तो आप सीजनली मटर यूज करिए, क्योंकि अभी मटर का सीजन आ गया है। तो हमने ले रखा है ये 1/4 किलो मटर है। हरी मिर्ची है 7-8 कटी हुई, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हींग ले रखा है, और ये है नमक। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, आप जिस भी ऑयल का प्रयोग करते हैं आप उसको डाल सकते हैं। इसमें अब हम डाल देंगे जीरा जो ले रखा था 1 टेबल स्पून, और 1 पिंच हींग डालेंगे, कटे हुए लहसुन डालेंगे। बहुत ही फटफट बन जाते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही अलग स्वाद रहता है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। मटर का सीजन है और नए आलू का सीजन, तो इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है नए आलू और मटर का बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो हमने इसमें डाल दिया है अदरक, लहसुन, जीरा, हींग, और डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची आप अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लाल होने तक हम भून लेंगे। तो चलिए इसको लाल होने तक भून लेते हैं। लहसुन और अदरक लाल हो चुके हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जो गर्म मसाला लिया था दमालू मसाला, और ये हल्दी पाउडर, हरी पिसी हुई धनिया, और लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची ऑप्शनल है, आप कम और ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और इस पर हम डाल देंगे ये बारीक कटे हुए आलू। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अलग स्वाद रहता है। और हम डाल देंगे मटर, मटर सीजनल है, तो जब भी बनाते हैं तो आप सीजनल मटर का प्रयोग करिए। फ्रोजन मटर भी बना सकते हैं, पर उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि सीजनल मटर का रहता है। तो हमने सारे मसाले को इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से भूंजेंगे 10 मिनट तक। बहुत भूनना है, भूनने से किसी भी सब्जी का जो स्वाद रहता है ना उसी भूनने से ही आता है। तो गैस की फ्लेम हमें तेज़ करनी है और 5 से 10 मिनट तक इसको फटाफट भून लेते हैं। तो चलिए इसको भून लेते। तो 10 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है, गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इसे हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। 10 मिनट तक इसे 5-5 मिनट में इसको हम देखते रहेंगे। तो ढक देते हैं, गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल धीमे रखनी है। तो चलिए इसको ढक देते हैं और पानी का प्रयोग नहीं करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार हम दमालू को चेक कर लेते हैं। आलू मटर के आप घुघरे भी बोल सकते हैं, दमालू भी बोल सकते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर स्वाद इसका जो भी है बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अभी बहुत अच्छे से पके नहीं हैं, एक बार देखते हैं। हाँ, अभी कुछ कसर इसमें बाकी है। लोहे की कढ़ाई की एक खासियत मानिए, जो भी बोलिए ना, कितना भी साफ करके रखो पर ये काली हो ही जाती है। तो अभी 5 मिनट के लिए इसे हम फिर से ढक देते हैं, और 5 मिनट बाद आपसे फिर मिलते हैं। तो चलिए ढक देते हैं इसको। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं आलू और मटर को, निकाल लेते हैं इसको। देखिए कलर इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये पक चुकी है पूरी तरह से, इसके आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो पक चुकी है, लास्ट में हम फ्रेंड इसमें ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर। तो चलिए जो 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लेके रखा हुआ था उसको ऐड कर देते हैं। अमचूर पाउडर हमें लास्ट में इसलिए ऐड करना चाहिए, नहीं तो फिर उस खट्टेपन की वजह से उसको टाइम लग जाएगा और पकने के लिए। तो अमचूर पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे धनिया, हरी धनिया। हरी धनिया से तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और तो किसी भी सब्ज़ी में जान ला के रख देती हैं। तो परफेक्ट दिदा हमारी आलू मटर की जो घुघरी है,
बनके रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। चलिए इसको निकाल लें। तो मैंने इसको निकाल लिया है। इसका जो स्वाद है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार आप ज़रूर इसको बना करके आलू मटर की घुघरी खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, प्लीज़ ट्राई।